तो दोस्तों 20,000 रुपए चाहिए सबसे खतरनाक फोन, तो देखो फिर। यार MI ने क्या कर दिया, कर तो दिया पर किया कैसे। तो गाइज MI ने फोन लॉन्च कर दिया है पोको F1, जिसके फीचर्स इतने जबरदस्त है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। मतलब पोको F1 ने इस टाइम पूरे मार्केट में आग लगा के रखी हुई है, मतलब लिटरली आग लगा के रखी हुई है। अच्छा जब आग लगी हुई है तो आजकल भुट्टे का सीजन भी चल रहा है, तो आप इसमें भुट्टे सेक के खा सकते हैं। यार मतलब 20,000 में ऐसे ऐसे फीचर दे दिया है ना, जो 60,000 के फोन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो गैलेक्सी S9, S9 Plus, Vivo Next, Oppo Find X, गैलेक्सी नोट 9, ये सब तो 50-60 हज़ार के फ़ोन हैं, मगर जो फीचर इनमें हैं वही हैं पोको F1 में भी, बल्कि कुछ भी कमी नहीं है और जो भी है इससे ज़्यादा ही है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसमें CPU को ठंडा करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे दिया है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम, यार ये तो गाड़ियों में होता है, तो नाइंसाफ़ी कर रहा है यार MI। और इस फ़ोन की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी, क्या कुछ कहने का नहीं। और पता है ऐसा क्यों करा, MI है भाई, नाम चलता है। अब ये चीज़ जो MI ने करी है ये सिर्फ MI से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो किसी और कंपनी से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो इतने सस्ते में इतना अच्छा फ़ोन वो दे देंगे। कुछ साल पहले की बात करें ना, तो MI का सबसे पहला फ़ोन जो आया था Redmi 1S, वो मैंने लिया था। मतलब उस प्राइस में उस टाइम पे बहुत अच्छी फीचर दे रहा था, पर 2 महीने बाद वो फ़ोन खो गया। फिर MI ने एक और फ़ोन निकाला Redmi 2, मैंने वो भी ले लिया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि MI ने जब से शुरुआत करी है तब से इकोनॉमिकल फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है, मतलब कम प्राइस में वो अच्छी चीज़ें दे रहा है और अभी भी दे रहा है। उस टाइम भी सारे फ़ोन्स की वाट लगा दी थी MI ने और अभी भी वही है, बस टाइम बदला है, वाट तो अभी भी लगा रहा है। और अब जो पोको फ़ोन आया है, मैं फिर से बोलूँगा इसने मार्केट में आग लगा रखी है। और ऐसा क्यों, सबसे बड़ी बात है इसका प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 845, जो कि आता है AI इंजन के साथ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। इसका प्रोसेसर 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी प्रोसेसर्स के बारे में वो अभी सुन के शायद शॉक हो चुके होंगे कि मतलब 20,000 के फ़ोन में स्नैपड्रैगन 845 कैसे। क्योंकि भाई साहब ये स्नैपड्रैगन 845 एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, बहुत ही महंगे महंगे फ़ोन्स में ये होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया भी था गैलेक्सी S9 वगैरह में, जो कि सारे 50,000 से ऊपर के फ़ोन है इनमें ये प्रोसेसर यूज़ होता है। पोको F1 का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845 की क्लॉक स्पीड तो सुन लो एक बार, 2.8 GHz, ठीक है, क्रायो 385 आर्किटेक्चर के साथ में, मतलब तुम कॉम्पिटिटर्स की वाट लगा दो। अभी और सुनो, GPU दे दिया है एड्रिनो का 630, मतलब जो भी अभी तक गेम लॉन्च हुए हैं बड़े से बड़ा, हैवी से हैवी, कोई सा भी खेल लो तुम, इनफैक्ट जो लॉन्च नहीं भी हुए वो भी खेल लो। नहीं वो कैसे खेलोगे, अब कभी कभी क्या होता है ना, गेम खेलते फ़ोन गर्म हो जाता है, तो वो फ़ोन का CPU गर्म होता है। अब इन्होंने क्या कर दिया, फ़ोन का CPU को ठंडा करने के लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे दिया, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़नी। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको वही ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 12+5 MP वाला, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है 12 MP वाला, उसका पिक्सल साइज है 1.4 microns का और f1.9 के अपर्चर के साथ आ जाता है। अब जो सेकेंडरी कैमरा है 5 MP वाला, जो डेप्थ सेंसिंग के लिए वाइड एंगल लेंस यूज़ हो रखा है इसमें, उसका पिक्सल साइज है 1.12 microns का और जो अपर्चर यहाँ पे है वो है f2.0 का। अब ये जो कैमरा है वो आता है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ, ये आपकी ब्राइटनेस को भी एनहेंस कर देता है और जो ऑटो फोकस की स्पीड है उसे भी काफ़ी तेज़ कर देता है। MI ने बताया है कि पोको F1 का जो कैमरा है वो अल्ट्रा लाइट सेंसिटिव, इसका मतलब आप अंधेरे में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइटें बंद कर करके फोटो ले रहे। एक और अच्छी चीज़ जो MI ने दे दी है पोको F1 में वो है हार्डवेयर बेस्ड मल्टीफ्रेम नॉइज़ रिडक्शन। मतलब आसान भाषा में बताऊँ तो आप रात के टाइम भी दिन जैसी क्लियर फ़ोटो ले पाएंगे, मतलब उतना उजाला तो नहीं पर क्लियर फ़ोटो, क्लियर से मेरा मतलब है आपको नॉइज़ नहीं मिलेगा। वो नॉइज़ होता है ना, मतलब आप रात को फ़ोटो खींच रहे तो मतलब आपके कलर्स वगैरह बिखरे बिखरे से आते हैं थोड़ा, तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे फ़ोटो में। सामने की तरफ आए तो आपको यहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन 20 MP का सेंसर मिल जाएगा, जो कि कपल्ड है लार्ज 2.0 microns के पिक्सल साइज के साथ, और इसमें 4-in-1 सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो मतलब यार आपकी सेल्फी तो बड़ी गजब की आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इसमें 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, 1080p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, 720p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, स्लो मोशन में भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें मिल जाता है EIS, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपको मदद करता है वीडियो बनाते टाइम आपकी वीडियो स्टेबल रहे, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन या फिर कुछ थोड़ा बहुत अंडुलेशन उसमें ना आए। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा एक 6.18 इंचेस का फुल HD+ पैनल, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 18.7:9 का,
और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 403 पिक्सल पर इंच की। कंट्रास्ट रेशियो इसका होगा 1500:1 का। और एक मजेदार बात यह है कि इसमें आपको एक नॉच देखने को भी मिल जाएगा। अब बैटरी की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी बैटरी है 4000 mAh की, जो कि पूरे दिन चल सकती है। अब जो इसका प्रोसेसर है, उसका जो AI इंजन है, वो बैटरी मैनेजमेंट में भी मदद करता है। मतलब आपकी बैटरी इस तरह से यूज होगी कि ज़्यादा कंज्यूम भी ना हो और बच भी जाए। यहाँ पे MI क्लेम करता है कि एक बार आप इस फ़ोन को फुल चार्ज अगर कर लेंगे तो ये टॉक टाइम दे देगा आपको 30 आवर्स का, पर इतने घंटे तक बात तो कोई करता नहीं है। एक और चीज़ क्लेम करती है कि फुल चार्ज के बाद आपको इसमें 146 आवर्स का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, या कह लो ऑडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। आप नॉर्मली अगर एक 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करें तो उसमें 2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ MI ने अच्छी कर दी कि इसमें दे दिया है क्विक चार्ज 3.0। वैसे क्विक चार्ज 4.0 आ गया है, पर फिर भी उन्होंने क्विक चार्ज 3.0 दिया है। चलो कोई नहीं, कम से कम बैटरी तेज चार्ज रहेगी। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, जो हैं 6GB RAM 64GB स्टोरेज, 6GB RAM 128GB स्टोरेज और 8GB RAM और 256GB स्टोरेज। और एक मजे की बात यह है कि इसमें आपको मिल जाएगी LPDDR4X वाली रैम, मतलब कि बहुत ही तेजी से प्रोसेसिंग वगैरह कर देगा आपका फोन। LPDDR3 को तो छोड़ो, LPDDR4 का एनहेंस वर्जन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, LPDDR4X, जो कि 15% मोर एफिशिएंट है LPDDR4 से। ये करता है काफ़ी कम पावर कंज्यूम और आपकी बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है काफ़ी हद तक। और स्टोरेज टाइप है इसमें UFS 2.1 फ्लैश स्टोरेज, मतलब कहीं पे कसर छोड़नी नहीं है, हर चीज़ टॉप नॉच दे दो तुम। बाकी कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें है USB Type-C पोर्ट, आपको माइक्रो USB पोर्ट नहीं मिलेगा। और मज़े की बात ये भी है कि 3.5mm जैक भी इसमें मिल जाएगा। कई कंपनीज क्या करती है कि अपने फ़ोन में 3.5mm जैक हटा के वहाँ पे USB Type-C पोर्ट डाल देते हैं, और साथ में दे देते हैं कनेक्टर, जिससे कि आप पहले Type-C पोर्ट में डालो, फिर 3.5mm का जैक उसमें डालो, तब जाके आप गाने सुनो। तो ये चीज़ें थोड़ा फंसी हो जाती है, इसलिए MI ने इस चीज़ को ध्यान में रख के 3.5mm जैक को स्किप नहीं किया है। और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, बाकी सारे सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक एडिशनल है इसमें IR फेस रिकॉग्निशन, मतलब कि इंफ्रारेड वेव्स की मदद से फेस रिकॉग्निशन का जो मेथड है वो इसमें यूज़ हुआ है। काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा फेस रिकॉग्नाइज आपका, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है ये। एक और बात सुनो, जो पोको F1 का आर्मर्ड एडिशन है वो बना है केवलार वाले फाइबर से। अब केवलार जो यूज़ होता है वो एविएशन वगैरह, मिलिट्री वगैरह में यूज़ होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनती है इससे। तो यही सब था पोको F1 के बारे में। मेरे को तो बड़ा ही गजब का फ़ोन लगा प्राइसिंग के हिसाब से, सिर्फ 20,000 में ये लोग इतना कुछ दे रहे हैं। मतलब स्नैपड्रैगन 845 आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ MI ही कर सकता है ये चीज़। तो यार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दो यार, एक शेयर तो कर ही सकते हो, मतलब बाकी लोगों को भी पता चले ना गजब का फ़ोन आया मार्केट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ आपके लिए।